लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बूथों पर मतदान दल को रवाना किया गया। जीपीएस लगे वाहनों से मतदान दल रवाना होंगे। भोपाल में बनाए गए हैं 2049 मतदान केंद्र। रायपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की 37 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। तो एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जीपीएस लगे वाहनों से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए, भोपाल में बनाए गए हैं 2049 मतदान केंद्र। तो राजधानी भोपाल में भी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, लेकिन राजधानी रायपुर में अब तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? क्या मतदान दल सामग्री लेकर रायपुर पहुंच रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा, लगातार कोशिश की जाएगी, लेकिन राजधानी रायपुर के साथ ही भोपाल में भी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि कल मतदान होना है। मतदान से पहले तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रायपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की 37 कंपनियां को तैनात किया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, राजधानी भोपाल की बात करें, कैसी तैयारियां हैं? क्या मतदान दल सामग्री लेकर भोपाल पहुंच रहे हैं? आज राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए तो सुबह 5 बजे से ही जो सरकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं उनका आना शुरू हो गया, और लगभग 16,000 कर्मचारी जो हैं वो राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आज एकजुट हुए हैं। लगभग 7 विधानसभा में ड्यूटी लगी है। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, तस्वीर देखिए, ये मेले की तस्वीर नहीं है बल्कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि यहाँ की हम बातचीत करें, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और उनकी सामग्रियों का वितरण जो है वो उनको किया जाना है, और उसी को लेते हुए तमाम दस्तावेजों को देखा जा रहा है। अलग अलग जो मशीन्स की हम बातचीत करें, इसके अलावा जो उनकी वोटर लिस्टों की बातचीत करें, वो तमाम चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखाएं तो आपको नजारा जो है वो दिखाई देगा कि यहां से वहां तक यानी कि हजारों की संख्या में लगभग 16,000 जो कर्मचारी जो है वो इस वक्त मौजूद है। अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में 7 जो है वो सीटें हैं और 2034 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और उसमें 1100 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो 80 संवेदनशील हैं। 120 मॉडल पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं। 120 पोलिंग बूथों पर विशेष सजावट की व्यवस्था की गई है। तो 510 जो है वो अति संवेदन बूथ है, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लगभग गोविंदपुरा जो विधानसभा सीट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पोलिंग बूथ है। इसके बाद बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य और हुजूर, ऐसे जो 7 सीटें हैं उनका ये पूरा गणित है। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और एक उत्साह जो है वो अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं और देख सकते हैं क्या उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। कैसा लग रहा है साहब, इस बार कौन सी यानी कितने बार आप पहले भी चुनाव करा चुके हैं? पहला चुनाव करवा रहा हूं मैं, और मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरे उत्साह के साथ चुनाव ड्यूटी में लगा हूं, और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। यानी साफ तौर पर एक अपील भी है जो हमारा एक अभियान भी है News 24 का, कि कीर्तिमान स्थापित करना है। क्या लग रहा है साहब, कैसा लग रहा है, क्या तैयारियाँ हैं? बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं, प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग है, और जो इस बार की व्यवस्था है वो अन्य चुनावों से बेहतर व्यवस्था है। और बस अपील सब लोगों से यही है कि अधिक से अधिक मतदान आकर करें और इस जो महाकुंभ है इसको सफल बनाएं। क्या इस बार अलग जो है वो तैयारियां की गई? इस बार व्यवस्था थोड़ी सी अलग ये है कि जो टेंट की व्यवस्था है वो इन्होंने 3 टेंट बाहर दिए हैं और 3 टेंट अंदर दिए हैं, तो पहले से खुली व्यवस्था है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। आपकी कहाँ ड्यूटी लगी है, किस डिपार्टमेंट से? मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूं और नरेला विधानसभा में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अलग जो है उत्साह भी नजर आ रहा है, यानी कि यूं कहा जाए कि लोकतंत्र के महापर्व को सार्थक बनाने के लिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो सरकारी महकमे के जो कर्मचारी हैं उनमें एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। पहली बार जो हमने देखा एक तस्वीर कि लोग जो है वो उत्साह दिखाई व्यक्त करते हुए भी नजर आए, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि तमाम जो है वो कागजी तैयारियां जो है वो की जा रही है, और कुछ देर बाद फिर जिनके जो बोलिंग सेक्टर्स हैं उसके आधार पर जो तमाम जो कहना चाहिए जो इनकी मशीनरी है वो वितरित की जाएगी। अलग अलग पैटर्न के आधार पर बनाया गया है और अलग अलग सेक्टर जो है वो फिलहाल यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। ना सिर्फ
मशीनों का वितरण होगा, चुनाव सामग्री का वितरण होगा, सील का वितरण होगा, बल्कि या जो जिस प्रकार से जो पूरी की पूरी किट इनको इलेक्शन की दी गई है उसकी भी सत्यापन की प्रक्रिया की जाएगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ सील जो है वो आप देख सकते हैं कि सील यहाँ रखी गई है, तमाम चीजें हैं, कागजात जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, स्टैम्प्स हैं, तो ये पूरी तैयारियां हैं और ये इस बात को बताती है कि जो कहना चाहिए कि जिस प्रकार से जो इस बार का जो मतदान होना है उसे लेकर एक खासा उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल में इस बार जो महिला वोटर्स की संख्या भी बढ़ी हुई है और साथ ही साथ चुनाव आयोग की सख्तियां भी कई रही हैं और इस सख्तियों के चलते जो तैयारियां थी वो भी लगभग पहले ही कर ली गई थी, लेकिन आज जो है सामग्रियों का वितरण होगा और अपने अपने जो पोलिंग बूथ जहां पर इन्हें दायित्व मिला है, ड्यूटी जो है वो कमान संभाल रहा है, वहां पर पहुंचेंगे। और पहला मिलिट्री फोर्स की अगर हम बातचीत करते हैं, बाहर की फोर्स की बातचीत करते हैं, वो भी आमद दर्ज करा चुकी है। कल फ्लैग मार्च जो है वो निकाले गए थे, इसके अलावा कल मीटिंग्स का भी दौर, बैठकों का दौर भी प्रशासन में चला। और आज की जो तस्वीर है वो जो है कुल ऐसी लग रही है जैसे एक मेला जो है वो लगा हुआ है। एक तस्वीर और आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए ये जो है ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपने अपने सेक्टर्स का नंबर देखते हुए। देखिए ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है, यहाँ सरकारी तमाम कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई है और हम देख सकते हैं कि अब आमद जो है वो दर्ज कराते जा रहे हैं, तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। देखिए जहाँ तक नजर आ रही है वहां तक कर्मचारी ही कर्मचारी नजर आ रहे हैं, एक मेले जैसी तस्वीर जो फीलिंग है वो देखी जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच रायपुर से मेरे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन आप इस समय कहाँ मौजूद है, कैसा उत्साह और क्या कुछ वहां पर इस समय चहलकदमी देखी जा रही है? देखिए दूसरे चरण का चुनाव है कल 17 तारीख को सुबह 7 बजे से तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पहुंचेंगे, अपने अपने मत का दान करेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर में बीटीआई ग्राउंड में और सेज बहार में, इन दो जगहों पर जो है मतदान की जो तमाम जो सामग्री है, चाहे ईवीएम मशीन हो, ब्लड पेपर हो, पेटी हो, तमाम जो सामग्री है वो यहाँ से वितरण होना आपसे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो है लाइनिंग बनाई गई है। यहीं से कुछ देर बाद जब अनाउंस होगा तो मतदान की जो सामग्री यहां से दी जाएगी। ठीक बाहर ऐसा ही नज़ारा आप बाहर भी देखेंगे, वहां पे बड़ी संख्या में जो स्टाफ हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, जो मतदान के कर्मचारी हैं वो वहां पहुंचेंगे और उनको जो है मतदान की पूरी सामग्री दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो जानकारी आई है एक मतदान केंद्र में लगभग 5 अधिकारी जाएंगे और एक मुख्य अधिकारी होगा, 4 जो है लिखा पढ़ी के अधिकारी रहेंगे, इसके साथ ही 2 जो है उसके साथ जवान रहेंगे जो सुरक्षा के लिहाज से उस गाड़ी के साथ जाएंगे। तो लगभग राजधानी रायपुर में लगभग उत्तर विधानसभा की धरसीवा विधानसभा और रायपुर पश्चिम, इन 3 विधानसभाओं के लिए यहाँ से जो है मतदान की जो सामग्री है उसका वितरण यहाँ से होने वाला है। और बड़ी संख्या में जो अब से कुछ देर बाद यहाँ अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मतदाता के मतदान के लिए जो यहाँ पे मौजूद रहेंगे वो अधिकारी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और अपने अपने जो है सामग्री है वो लेते हुए नज़र आएंगे और अपने अपने बूथ पर चले जाएंगे। फिलहाल कुछ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं चूँकि कल के चुनाव को लेकर वो भी जानेंगे। सर अब पूरी तैयारी लगातार हो चुकी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं चूँकि कुछ देर बाद अब मतदान की सामग्री वितरण होना है। विधानसभा 50 रायपुर नगर उत्तर में 201 मतदान केंद्र है, 15 सेक्टर ऑफिसर्स लगे हुए हैं और इसी प्रकार से हमारे हर एक वाहन में 50 वाहन हैं, 50 वाहनों में यातायात प्रभारी भी लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने 8 बजे का समय दिया था सामग्री वितरण करने के लिए, हमारी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है, हम 8 बजे से सामग्री वितरण करेंगे और उसके बाद से सभी वो सेक्टर ऑफिसर से के साथ मिल करके मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद जो है वो निर्धारित वाहन से मतदान केंद्र की ओर प्रस्थान करेंगे। टोटल कितने विधानसभा की सामग्री यहाँ से जाएगी और जब बताया जाता है कि गाड़ी में जाएंगे तो कितने जवान रहेंगे और कितने कर्मचारी उस गाड़ी में रहेंगे? प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। जहाँ पे संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पे सेंटर आर्म फोर्स भी लगाए हुए हैं और ये सब अभी स्कॉर्ट करके निर्धारित वाहन से ही जाएंगे।
रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में कितने ऐसे मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं और जो असंवेदनशील हैं सर? इसकी सभी जानकारी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं रायपुर उत्तर का आरओ हूं, तो मेरे पास ये जानकारी नहीं है। तो देखिए व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस प्रकार से बीपी पंच भाई जो वहाँ के अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरी तैयारी जो है और कल सुबह से ही 7 बजे से जो कि मतदान होना है जिसकी भी पूरी तैयारी है। फिलहाल आप देखिए कि ये जो तमाम जो जगह है वो फिलहाल अभी खाली दिखाई दे रही है, कुछ ही देर बाद एक अलाउंस होगा, उसके बाद जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और निर्वाचन के जो स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और लाइन लाइन से अपने अपने सामग्री को लेंगे और अपने अपने जहाँ मतदान केंद्र उनको चयनित किया गया है वहाँ वो पहुँच जाएंगे। और कल सुबह चूँकि मतदान होना है तो इसको लेकर भी लगातार एक प्रशिक्षण के रूप में अपने अपने केंद्र में एक छोटा सा प्रशिक्षण होगा, उसके बाद कल सुबह भी इसी प्रकार का मुआयना होगा, उसके बाद सुबह 7 बजे से तमाम जो आम जनता है वो अपने अपने मत का दान करने वहाँ पहुँच जाएगी। फिलहाल तैयारी राजधानी रायपुर में पूरी है, चाहे पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, CRPF के जवान की बात की जाए और निर्वाचन के अधिकारियों की बात की जाए, लगातार प्रशिक्षण हुआ है, लगातार ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद आज ये तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचेंगे, अपने अपने सामग्री लेंगे और अपने अपने मतदान केंद्र के लिए सुरक्षा के जवानों के साथ रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। शिखिल, पहले के मुकाबले की बात की जाए, क्या इस बार पोलिंग बूथ पर किसी तरह की अलग से व्यवस्था की गई है? क्योंकि हमेशा से कोशिश की जाती है कि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा बूथों पर आएं, वोटिंग करें, क्या किसी तरह के सेल्फी पॉइंट भी इस बार बूथों पर बनाए गए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो हमेशा से एक नवाचार दिखाई देता है और इस बार भी नवाचार जो है वो दिखाई दे रहा है कि पोलिंग बूथों में इस बार पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहाँ की जो महिलाएं हैं सिर्फ वही जो है मतदान की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया जो कराएंगे। और इसके अलावा एक विशेष बात यह भी है कि निगरानी की, देखिए निगरानी के तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि वेबकास्ट के जरिए निगरानी की जानी है, CCTV, इसके अलावा ड्रोन, तमाम चीज़ें। लेकिन बड़ी बात इस बात की यह भी यहाँ पर है कि साफ तौर पर जो निर्देशिकाएँ हैं वो बहुत अलग दी गई है। अगर देखा जाए तो 8 जो टोटल पोस्टर्स और जो है वो बांटे गए हैं, दिखाता हूं मैं आपको कि इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं वो दिए गए हैं और इनमें 4 पोस्टर जो है वो संबंधित जानकारी के लिए हैं और 4 पोस्टर ऐसे हैं जो कि मतदाताओं की जानकारी के लिए है। हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है मतदान क्रमांक, कुल मतदाता, मतदान क्रमांक कितने शामिल है, ये पूरी पीठासीन अधिकारी के मोबाइल नंबर और नाम वगैरह ये तमाम चीजें दी गई है। ये देखिएगा कुछ इस प्रकार के जो है पंपलेट्स भी यहाँ पर जारी किए गए हैं, ये पंपलेट्स कुछ इस प्रकार के बनाए गए हैं जिसमें 17 तारीख का बताया गया है। और ये हमारे साथ एक सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, ये एक ऐप है इनके मोबाइल में, हम देख सकते हैं ये पूरे ऐप के जरिए ये पूरा काम जो है वो किया जा रहा है। यानी कि इस ऐप में आपको पूरी जानकारी होगी कि कितने पोलिंग बूथ पर क्या किया जाना है, कितने मतदाता, एक एक जानकारी। इस बार की अगर हम बातचीत करते हैं तो कितना अलग तैयारी आपको निर्वाचन आयोग की दिखाई देती है? तो इस बार एक ऐप डाउनलोड किया गया है, इस ऐप के माध्यम से हम देख रह सकते हैं कि मतदान दल रवानगी से लेकर के मतदान समाप्ति तक सभी जानकारी हम ऐप के माध्यम से देंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या वो अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत होता था तो वोटिंग प्रतिशत हम कागज पे निकाल के देते थे, इस बार ऐप के माध्यम से ही वोटिंग प्रतिशत देंगे। देखिए एक बड़ी बात है, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन से कहूंगा वहां पर दिखाएं। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, मतदान प्रतिशत खाली रखा गया है 7 PM to 3 PM, यानी कि पूरा जो है प्रति घंटे के हिसाब से भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। ये हम देख सकते हैं कि मॉकपोल समाप्त कब हुआ है, मतदान केंद्र प्रारंभ क्या हुआ, तो ये मध्य प्रदेश के निर्वाचन की तैयारियां हैं जिन्हें पुख्ता की गई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश हमेशा से निर्वाचन में अलग अलग जो है नवाचार अपनाता रहा है। अगर हम बीते नगरीय निकाय चुनावों की बातचीत करते हैं या पंचायत चुनावों की बातचीत करते हैं तो कुछ इसी प्रकार की तैयारियां की गई थी। कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि दर्शकों को वो देख सकें कि आखिर किस प्रकार के जो वैलिड यूनिट्स हैं वो तैयार की गई। देखिएगा कुछ इस प्रकार की जो है ये यूनिट्स तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। ये क्या है थोड़ा सा आप बताइएगा? ये डमी बैलेट यूनिट है ताकि मतदाता सीख सकें कि अपने को वोटिंग कैसे कास्ट करना है। वोटिंग कास्ट करने के लिए इसको हम बाहर लगाएंगे, इससे मतदाता सीख लेंगे कि हमें बटन कैसे दबाना है। कि इस बार मतदान के पहले एक छोटा सा प्रशिक्षण भी मिल जाएगा मतदाता? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये भी नवाचार है क्योंकि पहले सिर्फ एक प्रकार की जो जागरूकता रैली जो है वो निकाली जाती थी और
जो BLOs होते थे, जो घर घर पहुंचते थे, सिर्फ वही जानकारी देते, लेकिन इस बार जो मतदान में ऐसे जो लगभग 16,000 कर्मचारी राजधानी भोपाल में और लाखों कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में लगाए जो ड्यूटी पे लगाए गए हैं, वो कुछ ऐसी वैलिड यूनिट लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के 8 टोटल फ्लैक्स तैयार किए गए हैं और इन फ्लैक्सों में भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रत्याशियों की फोटो भी चस्पा की गई है। तो तैयारियां खासी की गई है, ना सिर्फ सुरक्षा के लिहाज की बातचीत की जाए बल्कि टेक्नोलॉजी की बातचीत की जाए, क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए जो है प्रतिशत तक की बातचीत होगी। यानी अब तक जो हमको एक इंतजार और मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ जो पीठासीन अधिकारियों को इंतजार रहता था कि आखिर 8 बजे या 7 बजे की पोलिंग में कितना मतदान हुआ, उसका प्रतिशत 7 बजे निकलता था और 5 बजे जब पोलिंग समाप्त हो जाती थी तो उसका कुल प्रतिशत 8 बजे और 7 बजे तक इंतजार करना पड़ता था, वो इंतजार नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी का भी पूरा खास ख्याल रखा गया है और अलग से भी तैयारियां आज के लिए कल के लिए कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिखेल और नितिन हमें तमाम जानकारी देने के लिए।